का आइकन दिख रहा है, इस पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये पीडीएफ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अब इसमें पहले तो आपको फाइल नेम भी फ्रेंड्स इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, आपका भी पीएफ हर मंथ डिडक्ट होता है, और फ्रेंड्स आप भी कभी ट्रांसफर करने के लिए जब पीएफ ट्रांसफर करने के लिए 15G फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है कि 15G फॉर्म को कैसे भरना और कैसे स्कैन करना है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो कृपया तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें, आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले हम कैमरा ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी हमारे स्क्रीन के सामने ये 15G फॉर्म है वो पूरा डिटेल में फिलअप किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे पीडीएफ बना सकते हैं फोटो खींच के। ये देखिए ये फॉर्म है, तो हम इसको फोटो खींच लेंगे कुछ इस टाइप से, इसे फिलअप कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, तो हमें ये फोटो खींच लेना है। आपके पास कोई स्कैनर का ऐप है तो आप अपने स्कैनर के ऐप से इसे स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी मैंने दोबारा से इसका भी फोटो खींच लिया, दूसरे पेज जो ब्लैंक छोड़ना है आपको, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि ब्लैंक छोड़ना है आपको। अब इस कैमरे को हम बंद कर लेते हैं, कैमरा हम बंद कर लिए। अब हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर में बड़े आसानी से मिल जाता है, इमेज टू पीडीएफ। आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है, अपने प्ले स्टोर में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। यहाँ पे जैसे ही कॉपी पे आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी पे अभी आपने एक भी पीडीएफ नहीं बनाया है तो नो पीडीएफ फाइल टू डिस्प्ले, अभी फिलहाल में हमें पीडीएफ बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पे प्लस पे आपको प्लस के आइकन पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी फोटो होंगे वो शो होना चालू हो जाएंगे। तो फिलहाल में अभी हमने कैमरा से फोटो खींचा था तो कैमरा पे चले जाते हैं, और कैमरा पे एक तो ये फोटो है और दूसरा इस पर एक बार सेलेक्ट करना है आपको, एक बार ऐसे टिक किया आपने, एक टिक लग गया यानी एक फोटो सेलेक्ट हो गया, दूसरा आपने टिक किया दूसरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको डन कर देना है क्योंकि दो ही पेज आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम जैसे ही डन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर आपको लगता है कि पेज इधर से उधर करना है तो आपको ये थ्री लाइनें दिख रही है, तीन लाइनें दिख रही है, एरो भी दिख रहा है। इस पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी ही लाइनें यहाँ भी बन जाएंगी। अब इसी को पकड़ करके आप इस पेज को इधर से उधर कर सकते हो, आगे कभी जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। फिलहाल में अभी तो ये सिक्वेंस से ही है, पहले एक नंबर ये उसके बाद दो नंबर ये। अगर आपने ऐसा देखा कि ये एक नंबर दो नंबर सही है पेज तो आप सही का निशान लगा दीजिए, अब ये सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका पीडीएफ का आइकन दिख रहा है, इस पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये पीडीएफ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अब इसमें पहले तो आपको फाइल नेम भी देना पड़ेगा, यहाँ पे 15G, अगर 15G फॉर्म भर रहे हैं तो हम 15G दे लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपका जो फोटो है काफ़ी हाई लेवल का है तो इसको मीडियम में कर लीजिए, क्योंकि अगर मीडियम में नहीं करेंगे तो आपका ये जो पीडीएफ कन्वर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एमबी में हो जाएगा। कभी कभी ऐसा आएगा आपके सामने तो उसको एक दो बार और फोटो खींच करके और आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, बड़े ही आसानी से हो जाएगा, आप कर पाएंगे। यहाँ से ओके जैसे ही आप करेंगे ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा और थोड़ा सा एड आएगा। अब जैसे ही आप इसे एड को बंद करेंगे उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही आप कॉपी पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाएगी, जो अभी अभी आपने क्रिएट किया है 15G का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 0.84 MB का है। कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर फाइल साइज हो जाता है तो आप इन ऑप्शन में से चेंज कर लीजिएगा। देखिए कितनी क्लियरिटी अच्छी तरीके से दिख रही है और इस फॉर्म को आप बड़े ही आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही 15G फॉर्म को कैसे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इससे रिलेटेड और सारी वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और फ्रेंड्स यदि आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।